जय हिंद दोस्तों। अगर आपका भी एसएसबी ट्रेड्समैन का फिजिकल सुपौल एसएसबी कैंप में है तो दोस्तों इस स्टेशन पर नियरेस्ट यही स्टेशन है, यहाँ पर देख सकते हैं, जो कि यहाँ से उतरकर दोस्तों डायरेक्ट आपको वहाँ पर ये कैंप लग रहा है सामने में। चलिए हम जूम करके दिखा रहे हैं दोस्तों, यह रोड है और रोड के उस पार दोस्तों कैंप है, यहाँ पर देख सकते हैं। चलिए मैं आपको कैंप के पास धीरे धीरे ले चल कर दिखाऊँगा इसी में, क्योंकि दोस्तों मेरा जो फिजिकल है कल है और दोस्तों आना है, तो इसी स्टेशन पर देख सकते हैं, यहाँ पर आसनपुर कुपड़ा यह जो स्टेशन है यहाँ पर देख सकते हैं। और कैंप दोस्तों आपको मैं दिखाना चाहता हूँ, यह स्टेशन का व्यू है, सिंगल लाइन है दोस्तों। यहाँ पर आप दरभंगा आइए, दरभंगा के बाद डायरेक्ट वहाँ से पैसेंजर ट्रेन मिल जाएगी, जो कि एसएसबी कैंप में आ सकते हैं दोस्तों। देखिए यही कैंप है, यहाँ पर पूरा यह कैंप का बिल्डिंग ही दिखाई दे रहा है रोड के उस पर। यहाँ से नीचे में उतरना है और इस रोड पर जाइएगा तो दोस्तों कैंप आपको मिल जाएगी। चलिए हम कैंप के पास चलते हैं और दिखाते हैं तो आपको सभी नज़ारा, सिर्फ वीडियो में आप बने रहिएगा दोस्तों, एक एक जानकारी दूंगा दोस्तों। यहाँ पर जो अभ्यर्थी भी एक एक करके यहाँ पर बाहर निकल रहे हैं जिनका हाइट वाइट कम है, तो दोस्तों यहाँ पर फर्स्ट में आपको एडमिट कार्ड और आधार कार्ड चेक हो रहा है। तो यहाँ पर दोस्तों हम नीचे उतर रहे हैं यहाँ पर, और नीचे उतरने के बाद इस रोड है दोस्तों, ये हाईवे है यहाँ पर इस हाईवे के उस पार उस कैंप है, तो उस कैंप के हम नज़ारा भी दिखाने वाला हूँ दोस्तों। यहाँ पे धीरे धीरे आप नीचे उतरिएगा इस, क्योंकि दोस्तों यह लोकल सा स्टेशन है, यहाँ पर नीचे भी देख सकते हैं यह लोकल सा स्टेशन है। और यहाँ से आपको चलना है उस रोड पर दोस्तों कम से कम 100 मीटर का यह दूरी है, और दूरी के बाद आपको हम दिखाने वाला हूँ। चलिए आप सिर्फ वीडियो में बने रहे, यह स्टेशन है और स्टेशन के यह मेन रोड है, यहाँ पर देख सकते हैं। आपको आने के लिए दोस्तों, अगर आप पटना से या रांची से आते हैं तो दोस्तों आपको आना होगा दरभंगा या सहरसा, वहां से पैसेंजर मिलेगी डायरेक्ट आ सकते हैं, लेकिन एक दिन पहले आइए दोस्तों, क्योंकि यहां पर जो ट्रेन का लाइन है सिंगल रूट है, इसलिए पैसेंजर ही यहां पर काफ़ी आपको मिलेगी। तो दोस्तों मेरा जो फिजिकल है कल है 14 फरवरी का इसी कैंप में, जो कि ट्रेड्समैन का फिजिकल। और दोस्तों यहाँ पर बहुत सारा अभ्यर्थी जो कि हाइट में बाहर निकले हैं, उन लोग से भी बात किए, तो अभी आधार कार्ड और एक आपको आईडी प्रूफ जिस पर आपका डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए, वह सब कुछ चेक हो रहा है। तो दोस्तों हम धीरे धीरे करके रोड के तरफ चलते हैं और आपको सभी यहां पर दिखाएंगे, सिर्फ आप वीडियो में बने रहिएगा, आपको सब कुछ दोस्तों लाइव में दिखाने वाला हूँ, सिर्फ आप वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों अगर आना है तो इसी प्रकार से आपको भी आना पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों हम कहते हैं हम भी कैंडिडेट हैं। और ये देखिए मेन रोड है और यहाँ पर कैंप है, इस पर कैंप है, चलिए हम दिखा रहे हैं आपको। तो दोस्तों देख सकते हैं यही कैंप है, यहाँ पर जूम करके मैं दिखाना चाहता हूँ, यही कैंप है यहाँ पे दोस्तों। इस ग्राउंड को आपको 2 चक्कर लगाना है, यहाँ पर पूरा ये आपको एसएसबी कैंप का ही नज़ारा है दोस्तों, इस रोड के साइड में दोस्तों आपको आना है तो एंट्री गेट आगे में मिलेगा, चलिए वहाँ पर भी मैं चलता हूँ और आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो दोस्तों देख सकते हैं यही कैंप है, यहाँ पर आगे में वहाँ पर अभ्यर्थियों का लाइन लगाया जा रहा है, जो कि ट्रक आ रही है वहाँ से, क्योंकि वही मेन गेट है। यह पूरा कैंप का नज़ारा है, यहाँ पर देख सकते हैं ये एसएसबी कैंप है, इसी ग्राउंड में दोस्तों इस ग्राउंड के 2 चक्कर लगाया जा रहा है। देखिए यहाँ पर आगे में अभ्यर्थी भी खड़े हैं बहुत सारा यहाँ पर लोग। दोस्तों आपको भी इसी कैंप में है फिजिकल तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों आपको यहाँ आने के लिए यही रेलवे स्टेशन के जो लाइन है यहाँ पर देख सकते हैं, ये रोड है, आप बस से भी आ सकते हैं या ट्रेन से आ सकते हैं। ट्रेन से आना है तो एक दिन पहले आना होगा, यहाँ पर अभ्यर्थी लोग का लाइन लगा है देख सकते हैं। और दोस्तों और कुछ अभ्यर्थी देखिए यहाँ पर ट्रेनिंग भी हो रहा है, जो कि आरटीसी ग्राउंड है, यहाँ पर ट्रेनिंग भी हो रहा है, तो दोस्तों देख सकते हैं। तो सभी नज़ारा आपको दिखाते हुए, ये रोड है दोस्तों जो कि 4-वे यहाँ पर, तो अगर आपको आना है तो दोस्तों आप पटना से भी आ सकते हैं, आपको 2-4 ट्रेन मिल जाएगी, जैसे कि एगो इस्लामपुर हटिया है वो भी आती है दोस्तों यहाँ से, और आपको इंटरसिटी दरभंगा, यहाँ पर दोस्तों देखिए अभ्यर्थियों को जमावड़ा है,
यहाँ ही से गेट से आपको एंट्री इस गेट से कराया जा रहा है। दोस्तों आप सभी को आना है तो इस प्रकार से आने के लिए यहाँ पर अभ्यर्थी खड़े हैं, क्योंकि सभी अभ्यर्थी का एंट्री हो गया है, जो उनके अभिभावक है वही लोग खड़े होंगे यहाँ पर। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए जानकारी के साथ। जय हिंद, नमस्कार।